ओके सर मैं पूछता हूँ और देता हूँ ट्रांसक्रिप्ट से कुछ जल्दी से आप पूछें, अगर वो हमें नहीं प्रेजेंट करना तो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। हम वैसे परसेप्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि पढ़ लिया हुआ है। यस जी सर, हम परसेप्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। यस सर, कितना पढ़ लिया था इस पे? मेरा ख्याल इसके फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन पढ़ना है। जी सर, आए नहीं 10th ग्रुप वाले। असलान क्या कहते हैं वो? असलान सर रिप्लाई नहीं आया किसी का। चले फिर इनके रोल नंबर बस मुझे सेंड कर दीजिएगा यहाँ से। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दी थी पहले ग्रुप में। चले जी हम परसेप्शन का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? नो। जी सर अब हो रही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन हमने पढ़ना था। हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। कि जो हम बाहर वाले माहौल का तजर्बा करते हैं ना, उसका इन्हसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है कि किस तरीके से हम बाहर वाले माहौल से चीज़ों को परसीव करते हैं और किस तरीके से हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसे मीनिंग देते हैं। इसका इन्हसार जो होता है वो मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। दीज डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम इसको बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और स्टिमुलस फैक्टर, दूसरा होता है सब्जेक्टिव और पर्सनल फैक्टर, और थर्ड होता है सोशल फैक्टर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करते हैं। Some stimuli are simply more compelling than others to be selected for further processing and interpretation. कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा तवज्जो मांग रहे होते हैं या जो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करें और इसको परसीव करें। अब हमारे सराउंडिंग में बहुत से स्टिमुलस होते हैं, हम सारे स्टिमुलस को एक ही वक्त में परसीव नहीं करते। जो कि ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं उनको हम परसीव करते हैं और उन्हीं पे हम बात करते हैं। दे टेंड टू ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ द हू द परसीवर इज। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि देखने वाला कौन है। एंड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेज सीम्स टू मैटर लिटिल। और जो इंफरादी फ़र्क होता है एक बंदे का दूसरे बंदे का, वो थोड़ा बहुत इसमें असरअंदाज होता है। दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव और स्टिमुलस फैक्टर। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव और स्टिमुलस फैक्टर्स। सबसे पहली बात आ जाती है कंट्रास्ट। द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट स्टिमुलस फैक्टर इन द परसेप्चुअल सिलेक्शन इज कंट्रास्ट। अगर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो हम उन चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि आम हो और जो अहम हो। और इस सिलेक्शन का असर किस चीज़ पे होता है? कंट्रास्ट पर होता है। डेट इज द एक्सटेंट टू विच अ गिवन स्टिमुलस इज फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टिमुलस अराउंड इट। कि किस हद तक जो एक स्टिमुलस मुख्तलिफ है दूसरे स्टिमुलस से जो उसके इर्द गिर्द पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर we are more likely to attend to a bright light at the end of a dark street. अगर हम अंधेरी जो गली है उसके एंड पे अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो तो हम उसको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे. अ वाइट हेयर ओल्ड वूमेन इन अ रेड ड्रेस, अगर सूरज चूड़े के अंदर एक सफ़ेद बालों वाली औरत हो तो उसको देखना पसंद करेंगे. अ शॉर्ट मैन वॉकिंग अलोंग साइड अ वेरी टॉल मैन, अगर एक छोटा बंदा जो है एक बड़े बंदे के साथ चल रहा है तो हमारी त्वचा उस चीज की तरफ जाएगी. सेकंड आ जाता है हमारे पास इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होता है? वी आर मोर लाइकली टू परसीव अ स्टिमुलस व्हिच इज मोर इंटेंस देन द अदर सिमिलर स्टिमुलस. यानी कि एक चीज जो है वो अब ये कह रहे हैं एक स्टिमुलस जो है जो कि दूसरे स्टिमुलस से मिलता जुलता है, हम उस स्टिमुलस को ज़्यादा परसीव करने की कोशिश करेंगे जिसको जो कि शिद्दत में होगा. अब मिसाल के तौर पे अगर लाइट्स वगैरह हैं तो एक ही रूम में कितनी लाइट्स होती हैं? 5.6 होती हैं वाकई. तो वो सारे स्टिमुलस क्या है मिलते जुलते हैं, लेकिन आप उस स्टिमुलस को ज़्यादा दिलचस्पी के साथ परसीव करना पसंद करेंगे जो कि ब्राइट लाइट रखता हो जिसकी शिद्दत ज़्यादा हो. फॉर इंस्टेंस अ स्क्रीन कैन बी इजीली परसीव्ड एज कंपेयर टू फ्लैशिंग न्यू लाइट्स मोर अटेंशन ग्रैबिंग देन अ डिम लाइट. कि अगर आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है तो मध्यम लाइटों की निस्बत जो तेज़ लाइट होती है जलने बुझने वाली और तेज़ लाइट होती है वो ज़्यादा हमारी तवज्जो को हासिल करती है. Familiarity. If you are out of the town, अगर आप अपने कस्बे से बाहर हैं and find yourself in a new and different environment, और आप अपनी जात को एक नए और मुख्तलिफ माहौल में पा रहे हैं, you are more likely to notice something familiar. तो आप ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे कि जो चीज़ फेमिलियर है मिलती जुलती है जिसको देखा उसको नोट करने की. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे इन अ वेडिंग हॉल, अगर आप एक मैरिज सेरेमनी में चले जाते हैं उस हॉल के अंदर, व्हाइल यू फाइंड योरसेल्फ सराउंडेड बाय हंड्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द तकरीबन 100 अफराद ऐसे हैं जो कि अजनबी हैं. अनफेमिलियर पीपल यू इमीडिएटली नोटिस योर फ्रेंड, तो आप उन जो कई सौ अजनबी हैं उनमें से आप अपने दोस्त को आसानी के साथ पहचान लेंगे क्योंकि वो फेमिलियर स्टिमुलस है इन अ नोवल सिचुएशन. अभी तक जितना पढ़ा है इसको एक मरतबा आप लोग रीडिंग लेके देख लें फिर आगे पढ़ता हूँ. जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेपिटिशन. रेपिटिशन का हम पढ़ते हैं. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट योर टीचर रिपीट डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स. आपने ये बात नोट की होगी कि आपका जो उस्ताद होता है वो एक टर्म को बार बार उसकी डेफिनेशन को उसकी तारीफ को रिपीट कर रहा होता है और बार बार एंड एक्सप्लेन कॉन्स्ट्रक्ट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स का सहारा भी ले रहा होता है इन ऑर्डर टू गेट योर अटेंशन, ताकि आप उसकी तरफ तवज्जो दें. आपकी तवज्जो को हासिल करने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है. इफ़ यू ड्राइव इन द बिजनेस एरिया, अगर आप कारोबारी इलाके में ड्राइविंग कर रहे हो और शॉपिंग मॉल या शॉपिंग मॉल में, यू विल नोटिस साइन बोर्ड. आप नोट करेंगे कि उधर बहुत से साइन बोर्ड लगे होंगे जिसके ऊपर बहुत सी प्रोडक्ट्स के मतलब मालूमात लिखी होगी या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया होगा डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। ये जो साइन बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेंशन को कैप्चर कर सकें किस हद तक मुमकिन हो। द पीपल हु राइट एंड स्केड्यूल टेलीविज़न कमर्शियल, वो वाले लोग जो के लिखते हैं टेलीविज़न स्केड्यूल या कमर्शियल वगैरह, वांट यू टू अटेंड देयर मैसेज, और वो चाहते हैं कि आप उसका मैसेज सुने। दे यूज रेपिटिशन, वो बार बार रिपीट करते हैं, वन ऑफ देयर मेन टेक्निक टू अट्रैक्ट यूर अटेंशन, ये उनका एक बुनियादी तरीक़ाकार होता है व्यूवर्स की तवज्जो को हासिल करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई नई प्रोडक्ट आ जाए ना, तो आप टीवी देख रहे हो तो बार बार उसी की कमर्शियल आई जा रही है, हर 2 मिनट के बाद हर 5 मिनट के बाद वो उसकी कमर्शियल देते रहते हैं ताकि व्यूवर्स जो हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें और अट्रैक्ट हों और उस चीज़ को परचेज करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट हमारा आ गया है सब्जेक्टिव फैक्टर्स। Sometimes we attend to is determined not so much by the physical characteristics of the stimulus, rather in the environment. बात का ऐसा भी होता है कि हम इस तरीके से नहीं जांचते जो कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जी फिजिकली करैक्टरिस्टिक यानी कि तबीयत सूचक की बुनियाद पर नहीं किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं माहौल के अंदर, but by the personal characteristics of the perceiver. लेकिन जो एक बंदे की अपनी जाति की सूरत है उसकी बेस पे हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Although there are many personal factors, लिहाजा बहुत से पर्सनल फैक्टर्स होते हैं that ultimately जिसका नतीजा ये निकलता है that ultimately determine the selection of our perception, जो कि हमें मजबूर करते हैं हमारे अंदर की। अब मैं एक चीज़ ब्लैक कलर का अगर मैं जाऊँ, ये आजकल मंडी लगी हुई है, बकरा देखने जाऊँ, आई डोंट लाइक टू बी परचेज ब्लैक डॉग, तो उसमें क्या है कि अगर जो मेरी अपना यानी कि मेरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं वाइट कलर को पसंद करता हूँ तो मैं वाइट कलर को ही चूज़ करूँगा, तो मेरी सारी तवज्जो ना उस चीज़ की तरफ होगी ब्लैक की तरफ जाएगी नहीं। वी कैन कैटेगराइज देम एज अ बीइंग एज अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, और ये चीज़ जो है वो हमें तहरीक प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमने एक दिन बनाया होता है कि जी कि एक जो बंदे ने एक दिन बनाया होता है कि मैंने इस तरह की चीज़ परचेज करनी है, तो आप उसी करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे और उसी चीज़ को होप करेंगे। मोटिवेशन, इट इज़ ट्रू, यह हकीकत है, डेट वी ऑफन परसीव, हम अक्सर वो चीज़ें देखते हैं व्हाट वी वांट टू बी परसीव, जो हम देखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल यू ओपन अ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं एंड एक्सप्लेन विद जॉय डेट अ पेंटिंग एग्जीबिशन इज स्केड्यूल्ड फॉर द सेम आफ्टरनून, इसी दोपहर जो है एक पेंटिंग एग्जीबिशन होने को जा रही है। वेयर एज नॉन ऑफ योर फैमिली मेम्बर नोटिस दिस न्यूज़, आपकी फैमिली में से किसी भी बंदे ने इसको नोटिस नहीं किया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सिलेक्टिव परसेप्शन, ये जो मज़र होता है या ये जो सूरत हाल होती है इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। मैं सपोज अगर मेरे पास न्यूज़पेपर हो तो मैं सबसे पहले किस चीज़ को नोट करूँगा कि कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आई हो, क्रिकेट वगैरह की न्यूज़ आई हो, क्या अपडेट है उसके मतलब मैं जाना एज कम्पेयर टू पोलिटिकल कंडीशन। अंडरस्टैंड? Yes sir. बहुत लेट आवाज आई है। Physical size. Ordinarily, the bigger the stimulus, the more likely we are to attend to it. जितना बड़ा स्टिमुलस होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि हम उसको नोट करें। टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट और रेस्टोरेंट और कंपनीज, जो भी यानी कि प्रोडक्ट के मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है या रेस्टोरेंट के मतलब या कंपनीज के मतलब, पीपल वांट टू इरेक्ट द बिगेस्ट बिल बोर्ड। अब वो ये चाहते हैं कि किसी बड़े से बोर्ड के ऊपर उनका इश्तेहार लगे। They can afford in order to attract consumer, वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि आप आजकल बैल वगैरह आए हुए हैं, आप लोगों को पता है, तो आप बड़ा अगर होगा तो आप फौरी तौर पर वो देखें उन्होंने कितना बड़ा बैड़ा लेके आए हैं, कितना बड़ा बकरा है, इस तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मोशन इज अ पावरफुल फैक्टर, ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है या वामिल है। इज डिटरमाइनिंग द विजुअल परसेप्शन को नोट करने के लिए। अ बर्ड इन फ्लाइट इज मोर इजीली परसीव्ड, एक ऐसा परिंदा जो कि हवा में उड़ रहा हो हम उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। देन अ बर्ड इन अ बुश, एक ऐसे परिंदे की निस्बत जो कि झाड़ियों में छुपा या झाड़ियों में बैठा हो। नोवेल्टी आ जाता है उसके बाद। व्हेन इन एन ओल्ड फेमिलियर सेटिंग और एनवायरनमेंट समथिंग न्यू, व्हेन इन एन ओल्ड, जब एक पुरानी जगह के अंदर या फेमिलियर सेटिंग के अंदर, माहौल के अंदर कोई नई तब्दीली रोना आ जाए। अगर सपोज आपका ऑफिस है, आप उस ऑफिस में रोजाना जाते हैं, फेमिलियर है, पुरानी जगह है, एनवायरनमेंट है, उसमें कोई नई चीज कोई बंदा आपकी इजाजत के बगैर ला के रख दे तो आप फौरी तौर पे उसको नोट करेंगे। डिफरेंट और अनयूजुअल इज इजिली नोटिस, तो आप फौरी तौर पे। एंड इज कैचेज आवर अटेंशन, वो फौरी तौर पे हमारी तवज्जो को हासिल कर लेगी। एंड वी परसीव इट इंस्टेंटली, और हम फौरी तौर पे उसको देखेंगे। सोशल फैक्टर्स, our selection of stimuli from the environment is usually automatic and accomplished without any conscious effort. जो हमारी selection है कि हम stimulus को माहौल के अंदर से select करें और उस पर automatically जो हम यानी कि उसको select करते हैं accomplish without any conscious effort, बगैर किसी शौरी कोशिश के। यानी कि एक बंदा होता है ना फुल अपने होशोहवास में कि यार ये मैंने चीज़ हासिल करनी है, इसको हम कहते हैं conscious effort। एक होता है ऑटोमेटिकली जो हमारे माहौल के अंदर से हमारी तवज्जो यानी कि कोई स्टिमुलस हासिल कर ले। दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, ये जो अमल होता है ये सेवरल फैक्टर इसमें असरअंदाज होते हैं। सम ऑफ दिस डिटरमिनेंट ऑफ परसेप्शन आर एसोसिएटेड विद नीदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस नॉर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। अब इनमें से कुछ डिटरमिनेंट परसेप्शन जो होती है ना, इसका तल्लुक ना सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है और ना ही सिर्फ परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है। दे आर डिटरमाइंड बाय द सोशल फैक्टर, बल्कि इसका जो होता है वो सोशल फैक्टर से होता है। दैट इज वैल्यू एंड एटीट्यूड, जो कि इसकी उस रुझान किस तरफ है, उस चीज़ की अहमियत कितनी है। वी हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग सोशलाइज प्रोसेस, तो वो चीज़ें हम हासिल करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, हमारी वैल्यूज, रवायात और एटीट्यूड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। अल्लाह अकबर, इसको पढ़ें ज़रा, उसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर, इसको ज़रा स्टडी करें जितना हमने पढ़ा है। सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू, इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है। वी ऑफन परसीव वट वी वांट टू बी परसीव, वही वाली बात, हम अक्सर वो वाली चीज़ें ही देखते हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। एंड डोंट नोटिस द स्टिमुलाई दैट डोंट हैव एनी डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आवर एक्शन, और हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते जिनका हमसे कोई लेना देना। बाद का तो आपकी लड़ाई हो जाए ना किसी के साथ, तो आप उनकी तरफ तवज्जो देना भी पसंद नहीं करते। एंड डोंट नोटिस द स्टिमुलस दैट डोंट हैव एनी डायरेक्ट बेयरिंग on our attention. For instance, मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, अगर आप हाईवे पे कार चला रहे हैं ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून एंड आर एंक्शियसली लुकिंग फॉर, और इसी दोपहर आप क्या कर रहे हैं, परेशानी के साथ जो है मस्जिद का देखने की कोशिश करें कि कोई मस्जिद आए, हम वहाँ रुके और नमाज पढ़ें. हम asked to offer Friday prayer, you may not respond to several other stimulus cues. तो आप उनसे मिलती जुलती चीज़ों पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे. सिमिलरली व्हेन द होली काबा इज पोर्ट्रेट ऑन टीवी, जब होली काबा का मंजर जो है वो टीवी पर आता है, इट इज़ परसीव डिफरेंटली, तो वो मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है बाय दोज हु हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ विजिटिंग इट. जो लोग पहले उधर जा चुके हैं वो इसको किसी और एंगल से देख रहे होते हैं. Those who have never been there, पर जो उधर नहीं गए होते वो किसी और एंगल से देख रहे होते हैं. एंड those who are नॉन मुस्लिम, और वो वाले जो के मुसलमान नहीं हैं वो किसी और तरीके से उसको देख रहे होते हैं. Political consciousness, sometimes what we attend to for further processing of perception is largely determined by our political consciousness. बात का ये होता है कि जो हमारी परसेप्शन का अमर होता है ये political determination, political consciousness पर भी डिपेंड कर रहा होता है. And we modify our attitude accordingly, और हम इसके मुताबिक ही अपना रवैया जो है वो तब्दील करते हैं. Political leaders often label themselves राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, अक्सर वो अपने आप को राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट जो है वो लेबल करते हैं. अ डिस्टिंक्शन विच में रिफ्लेक्ट देयर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, ये जो फ़र्क है ना उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को बयान कर रहा है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड. मोस्ट पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप में ही दिलचस्पी रखते हैं. वेदर दे लाइक टू एडमिट इट और नॉट, चाहे वो इसको तस्लीम करें या ना करें. लेट अस रिकॉल एन ईद मिलन पार्टी, आए ईद मिलन पार्टी को दोहराते हैं. When we were suddenly attracted by a conversation on hearing our names, जब हमने अचानक से अपना नाम सुना और हम उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया. Similarly, many teachers have learned the old lesson. Similarly, इसी तरह बहुत से जो उस्ताद होते हैं वो पुराना सबक जो वो पढ़ा चुके होते हैं. That the interest of अटेंटिव स्टूडेंट इन द क्लास, वो ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है क्लास में. कैन बी क्विकली रिस्टोर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग समथिंग नोवल और डिफरेंट, तो फौरी तौर पे कुछ नई कहानी या उससे मुख्तलिफ कहानी जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन द टीचर सेज, जब कोई उस्ताद कहता है योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, के आपका जो अगला इम्तिहान है वो मंडे को होगा. और शी सेज वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, या वो ये कह दे कि हम इतवार को सैर के लिए जा रहे हैं लाहौर. इट इज़ रियली सरप्राइजिंग टू सी सो मैनी हेड्स टर्न टुवर्ड्स द टीचर, तो ये बहुत हैरानगी की बात होगी कि बहुत से जो सर होंगे ना वो टीचर्स की तरफ तवज्जो करना शुरू कर देंगे. एज द मेंशन दीज की मोटिवेशन टर्म, जैसे ही हम इस तहरीक पैदा करने वाली टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे कि हम पिकनिक मनाने जाएंगे या हमारा एग्ज़ाम है. आलमोस्ट एनी एक्टिविटी, तकरीबन हर तरह का जो काम है इन विच, जिसमें in which we have developed an interest will quickly capture our attention, कि जिसमें हमारी दिलचस्पी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए, वो जल्दी से हमारी तवज्जो हासिल कर लेते हैं. A child may attend to टाइटल म्यूजिक ऑफ अ फेवरेट टीवी प्रोग्राम। एक बच्चा जो है वो जो एक टीवी का प्रोग्राम है या टीवी का कोई ड्रामा है या मेरे पास तुम हो ड्रामा है, उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसकी तरफ फौरी तौर पे एक बच्चे की त्वचा जा सकती है। वेयर एज द अडल्ट मे टोटली इग्नोर इट, जबकि जो बड़े हैं वो मुकम्मल तौर पर उसको इग्नोर कर सकते हैं। द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ टीवी कमर्शियल, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट। अब जो तहरीक पैदा करने वाली क़ुव्वत है, टीवी में जो कमर्शियल्स आती हैं या अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं या सोशल या पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स होते हैं, उनका इन्हसार किस चीज़ पे होता है? हमारी दिलचस्पी पे, हमारे एटीट्यूड पे और हमारी हैबिट पे। समझ आ गई है? यस सर। जी सर। इसको एक मर्तबा पढ़ के देखिए, अगर इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। शाबाश, जल्दी करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ले। सारी समझ आ गई? दो ऑप्शन होते हैं, या तो बिल्कुल समझ नहीं आती या बिल्कुल ही समझ आती। अब आपका कौन से वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, समझ आई कि नहीं? आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। चले फिर वो नहीं आया ग्रुप जिसकी प्रेजेंटेशन थी? नहीं सर, अभी वो मेरे ख्याल में कंफर्म ही नहीं होया कौन कौन बच्चे हैं। वो कंफर्म कब हो जाएगा? बड़ी ईद के बाद हो जाएगा? नहीं सर, शाम तक हो जाएगा। मैंने कहा पता नहीं बड़ी ईद के दूसरे दिन होना है तो शाम को आपको सेंड कर। सर अभी ईद की छुट्टियां ही होंगी हमें? अभी ईद की छुट्टियां नहीं होंगी आपको। ये कौन बोल रही है कि ईद की छुट्टियां होंगी? सर सुना है नेक्स्ट वीक पूरा ऑफ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। सभी टीचर कह रहे हैं। अभी तक मुझे कुछ नहीं सुनने को आया, नेक्स्ट मुझे पता कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि जो लोग रह गए हैं ना, जिनकी प्रेजेंटेशन है, ये उनके अलावा तो नहीं और कोई ग्रुप रहता? नहीं सर, कोई नहीं रहता। और कंफर्म? जी सर, ये ना हो, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने जिन लोगों ने इसे प्रेजेंट किया है उनके मार्क्स ही सिर्फ लगाने हैं, ये असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन। ओके सर। और जिन लोगों ने नहीं प्रेजेंट किया ना, उनके असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के सेशनों के मार्क्स नहीं लगेंगे।